दो दिवसीय 32वें राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ रीजनल स्टेडियम में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, विशिष्ट अतिथि भारतीय कबड्डी टीम के कोच चंद्र विजय सिंह के अलावा सहायक शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी, प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री श्रीधर मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण और परेड की सलामी लेकर किया गया। उसके बाद गुब्बारा उड़ाकर खेल की विधिवत शुरुआत की गई। इस मौके पर छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। प्रतियोगिता में 18 मंडल की टीमें भाग ले रही हैं। पहले दिन हुए कबड्डी और बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के महिला बालक और बालिका वर्ग में गोरखपुर की टीम विजेता बनी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय कबड्डी टीम के कोच चंद्र विजय सिंह और CDO अनुज सिंह ने कहा, कमलों से हुआ सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। ध्वज उत्तोलन हो रहा है, कर्तव्य ध्वनि के साथ एक क्षण को अभिभूत करेंगे। देवी पाटन मंडल, सहारनपुर मंडल आपको आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। संपत गोरखपुर में रीजनल स्टेडियम इसको अभिवादन प्रेषित करते हुए यह टीम आगे बढ़ रही है। मैं इस 32वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2018-19 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। इस सपनों को संजोए हुए यह गुब्बारा छोड़ा जाएगा। हम शपथ ग्रहण करते हैं कि इस 32वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में वास्तविक क्रीड़ा राष्ट्रीय चेतना साक्षरी की विशुद्ध भावना से समस्त अधिक नियमों का पालन करेंगे। समस्त अधिक नियमों का पालन करते हुए पूर्ण प्रयास से क्रीड़ा को जैसे थे। गणपति गजराजू मंगल।
इससे निपटकर मैं चाहूंगा कि गोरखपुर का जो दर्शनीय स्थल है बच्चों को वह भी दिखाया जाए। भगवान महान संत पोद्दार जी का जो गीता प्रेस है, खुद गुरु गोरक्षनाथ की पीठ है। इसके अलावा गोरखपुर में बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से मैं सारे उत्तर प्रदेश से आए हुए समस्त शिक्षक बंधुओं, बच्चों, खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। धन्यवाद। मेरे वतन, वतन, मेरे वतन। अगर दोनों टीमें समय से उपस्थित नहीं होगी तो दोनों टीमों को स्त्री बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें जो भी प्रतिभागी बच्चे जो भाग ले रहे हैं, सर्वप्रथम पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे इसमें बहुत से बच्चे या जो भी शिक्षक बंधु लगे हैं, ये राष्ट्रीय प्रदेशीय स्तर जो प्रतियोगिता है ये खत्म होती है, उसके बाद वो बच्चे इस खेल से हट जाते हैं या उनके जो शिक्षक बंधु हैं भी उसको ध्यान नहीं देते हैं। अगर खेल में उनको सक्षम करना है, खेल में अपना करियर बनाना है, प्रतियोगिता के बाद भी पूरे साल एक अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम और आगे राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए अभी से उनका एक बेस तैयार किया जाए। जो बच्चे हैं उनमें से टैलेंट छांट करके जिस खेल में उनकी रुचि है उस खेल में उनको अभी से डाला जाए तो आगे देश के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल। देखिए 32वीं राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है, इसमें मंडल स्तर पे चयनित जो टीम है वो यहाँ पे आई है चार तरह की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने। इसमें कबड्डी, बास्केटबॉल और नाटक इत्यादि का यहाँ पे प्रतियोगिता होगा और यहाँ से टीम फिर प्रदेश स्तर पे विजयी होकर निकली। यह प्रतियोगिता यहाँ पे 24 वर्षों बाद गोरखपुर में हो रहा है और यहाँ के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर है, बहुत अच्छा ये कॉम्पिटिशन है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है।